आज अपन देखेंगे अजमेर के पास में जो पुष्कर है, बर्मा मंदिर, उसकी कहानी, संपूर्ण कहानी कि कैसे वो मंदिर विश्व के एकमात्र मंदिर है। पद्म पुराण में एक कहानी आती है कि एक बार धरती पर वज्रनाश नामक एक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था और उसके अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो ब्रह्मा जी को तंग आकर उसका वध करना पड़ा। और जब उसका वध कर रहे थे तब ब्रह्मा जी के हाथों में तीन जगह पर, मतलब ब्रह्मा जी के हाथों से तीन जगह पर कमल का पुष्प गिरा और जहाँ जहाँ कमल का पुष्प गिरा वहाँ तीन झीलें बन गई। उसके बाद झील का नाम पुष्कर पड़ा। फिर संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यही यज्ञ करने का फैसला लिया। यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर गए, लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी सावित्री समय पर नहीं पहुँच पाई। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए सावित्री जी का होना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में सावित्री जी नहीं आई तो उन्होंने गुर्जर समुदाय की कन्या गायत्री से विवाह कर लिया और यज्ञ शुरू कर दिया। इतने में ही सावित्री वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने गायत्री को ब्रह्मा के बगल में बैठा देखा और वो क्रोधित हो गई। गायत्री जी ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि एक देवता जरूर है लेकिन आपकी पूजा फिर भी कभी नहीं की जाएगी। यह सुनकर सब लोग अचंभित रह गए। सभी ने विनती की कि श्राप को वापस ले ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री जी ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका मंदिर बनाएगा तो उस मंदिर का विनाश हो जाएगा। इस काम में विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की मदद की। इसके चलते देवी सरस्वती जी ने भी विष्णु जी को श्राप दिया था और उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण विष्णु जी ने श्री राम का अवतार लिया और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा था। तो कहने का मतलब ये है, सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि देवता जरूर है लेकिन आपकी पूजा कहीं विश्व में और कहीं नहीं होगी। इसलिए सावित्री जी का मंदिर भी है ना, वो पहाड़ी के ऊपर है। यहाँ से जुड़ी हुई एक कहानी और है कि यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं और सिर्फ यहीं क्यों सफल हुई थी पूजा और यहाँ सफल मानी जाती है भगवान ब्रह्मा की पूजा, क्या मतलब इसके पीछे कहानी है। पुष्कर देश के उन मतलब शहरों में शामिल है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और एकमात्र विश्व का मंदिर है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा तभी सफल मानी जाती है जब भक्त पुष्कर आकर उन्हें पूजे। घर में पूजा नहीं हो सकती, बाकी कहीं से भी ब्रह्मा की पूजा सफल नहीं जाती। इसके पीछे कई कारण हैं और इसीलिए इसको पुष्कर को हिंदुओं का 5वां तीर्थस्थल भी माना गया है। राजस्थान का पुष्कर जगत पिता ब्रह्मा जी के लिए फेमस है। दुनिया के हिंदू मान्यता के अनुसार पुष्कर को 5वां तीर्थ भी पुष्कर को कहा जाता है। हरिद्वार की तरह पुष्कर भी हिंदुओं का बड़ा तीर्थस्थल है। तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ होने के कारण इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। इसी तीर्थ स्थल पर पुष्कर सरोवर है जिसके चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये 52 घाट अलग अलग राज परिवारों, पंडितों और समाज द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा घाट गऊ घाट कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चारों धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन आपने अगर पुष्कर के दर्शन नहीं किए हैं तो आपकी यात्रा है वो सफल नहीं मानी जाएगी। ऐसे में पुष्कर का महत्व और भी बढ़ जाता है। पुष्कर में एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है। पुष्कर भारत के उन चुनिंदा शहरों में है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है। 52 घाटों में कौन कौन से घाट बने हुए हैं, अलग अलग पुरानी महत्व है सबका। इसमें गऊ घाट, ब्रह्म घाट, वराह घाट, बद्री घाट, सप्तऋषि घाट, तरणी घाट और पुष्कर में विभिन्न राजघरानों की यहाँ घाटों का निर्माण किया हुआ है, जिसमें ग्वालियर घाट, जोधपुर घाट, कोटा घाट, भरतपुर घाट, जयपुर घाट, मतलब जो भी राजघराने थे उन्होंने भी बनाए। और बहुत सारे और घाट भी, जैसे गऊ घाट, जनाना घाट, चीर घाट, बालाराव घाट, ऐसे घाट बने हुए हैं बहुत सारे। अगर अपन पूरा नाम लेंगे भवनों का तो 52 के 52 घाट इसमें बने हुए हैं। अब इनके अंदर और कौन से घाट हैं,
हाथीसिया का घाट, शेखावटी घाट, राम घाट और राय मुकुद घाट, गणगौर घाट, रघुनाथ घाट, बद्री घाट और बदावर राजा घाट, जो भी राजघराने थे उनके, विश्राम घाट, नरसिंह घाट, मोदी घाट, वराह घाट, बंसीलाल घाट, 108 महादेव घाट, चंद्रा घाट, इंद्र घाट, शिव घाट और कोट तीर्थ घाट और बंगला घाट, किशनगढ़ घाट, राजघाट, सरस्वती घाट, तीजा माता का घाट, सप्तऋषि का घाट, जोधपुरी घाट, बूढ़ी घाट, गुर्जर घाट, शिखर घाट, वल्लभ घाट, स्वरूप घाट और चोड़ी पेठी का घाट, इंद्रेश्वर महादेव घाट, सावित्री घाट, हिंडीगेवार घाट, ब्रह्मा घाट, अखाड़ा घाट, खींवसर माता घाट, छींक माता घाट और भरतपुर घाट और गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे घाट हो गए, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन इन इतने घाटों के नाम लेने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों को जानकारी मिल सके। पूजा का महत्व तो ये है कि यहाँ पर एकमात्र तीर्थ पुष्कर है। ब्रह्मा जी को दिए गए श्राप के अनुसार उनके भक्तों की पूजा तभी सफल होगी जब वो यहाँ आकर पूजा करेंगे। इसलिए किसी को भी ब्रह्मा की पूजा करनी है तो यहाँ पुष्कर आना ही पड़ेगा। जब तक कोई भक्त पुष्कर आकर मंदिर और सरोवर की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा असफल मानी जाती है। और इसका मतलब इसी सरोवर के पास ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, जिसके कारण सरोवर को मोक्षदायक भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी को श्राप मिला था, पौराणिक कथाओं के अनुसार अपन ने डिस्कस भी किया था। पुष्कर झील एक अर्धवर्ताकार टाइप की झील है, तीर्थराज भी बोला जाता है। कथाओं के अनुसार झील पंखुड़ी से बनाई गई थी। ब्रह्मा जी के जो हाथ में पंखुड़ी थी वो गिरी थी, कमल के फूल गिरे थे। ब्रह्मा जी ने वज्र नामक राक्षस को मारा था, उसी दौरान ये झील बनी थी। पुष्कर झील के आसपास 300 से ज़्यादा मंदिर है, लगभग 52 घाट है जिनका नाम अपन ने लिया है। और भक्त यहाँ पर पवित्र स्नान करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन झील के अंदर डुबकी लगाता है, उसका व्यक्ति का निवारण हो जाता है ऐसा माना जाता है। यह भी विश्वास है कि झील में पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और त्वचा के रोग भी ठीक हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के एक हफ्ते पहले यहाँ बहुत बड़ा मेला जो फेमस है, जिसको पुष्कर मेला है, पुष्कर कैमल फेयर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ लगभग 50,000 ऊँटों पर बहुत सारे साक्षी बने हैं, इतने ऊँट आए हैं यहाँ पर। पुष्कर झील का इतिहास 4 शताब्दी पूर्व से पुष्कर झील का इतिहास मिलता है। हालांकि पुष्कर झील का सृजन कृत्रिम झील के रूप में 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। हाथ से बनाई हुई लूणी नदी के ऊपर बनाई गई थी। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र भाषण दिया था। और अंबर, बूंदी, बीकानेर और जैसलमेर के राजपूत शासकों ने झील और आसपास के मंदिरों को महत्व को बहाल करने के लिए बहुत मेहनत की और झील पर नदी घाटों का निर्माण किया। पुष्कर से जुड़ी कई पौराणिक और प्राचीन कहानियां हैं जो इस स्थल के महत्व और महिमा को बताती हैं। यहां कुछ प्रमुख कहानियां हैं। पुष्कर महात्म्यम। पुष्कर महात्म्यम एक प्राचीन संस्कृत पुराण है जो पुष्कर के महत्व को विवरण करता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के अद्वितीय युगल स्थल के रूप में पुष्कर का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा राजा और सावित्री कथा। यह कथा पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर की स्थापना से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार ब्रह्मा ने यहां अपनी पत्नी सरस्वती को संगठित किया और मंदिर की स्थापना की। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर राजस्थान, भारत में स्थित है और यह भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। यह मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, जो सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के रचयिता हैं। यह मंदिर पुष्कर तीर्थ स्थल में स्थित है, जो पुष्कर झील के किनारे स्थित है। ब्रह्मा मंदिर की विशेषता यह है कि यह भारत में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है। अन्य स्थानों पर भगवान ब्रह्मा के मंदिर नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति का पूजन किया जाता है और यहाँ के तीर्थ स्थलों में श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं। इस मंदिर का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने ब्रह्मा मंदिर के प्राचीन और विशाल आकर्षण को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया है। ब्रह्मा मंदिर का वास्तुकला और वास्तुशिल्प उसके इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व को प्रकट करते हैं। यह मंदिर प्राचीन काल में निर्मित हुआ था और यहाँ का दर्शन करने के लिए प्राचीन रचनात्मकता का अनुभव किया जा सकता है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के अलावा भी कई धार्मिक स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर के आसपास कई घाट हैं जिन्हें स्नान के लिए प्रसिद्ध किया जाता है।
इन 52 घाटों का नामकरण ब्राह्मणों के प्राचीन धार्मिक पाठकों एवं आस्थाएं के आधार पर किया गया है। यहाँ पर कुछ प्रमुख घाटों के नाम और उनकी महत्ता है। गायत्री घाट। इस घाट का महत्व गायत्री मंत्र के प्रचार और प्रसार में है। वामन घाट। यह घाट भगवान वामन की लीला के स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा घाट। इस घाट के पास ही ब्रह्मा मंदिर स्थित है, जिसे ब्रह्मा के पूजन के लिए प्रसिद्ध किया जाता है। मानस घाट। यहाँ पर लोग भगवान मानसरोवर में स्नान करते हैं। गणेश घाट। यहाँ पर गणेश का पूजन किया जाता है, जो शुभ शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा अन्य 47 घाट भी पुष्कर में महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर स्थित धार्मिक और पारंपरिक उत्सवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग इन घाटों पर स्नान करते हैं और धार्मिक स्नान की महत्वपूर्णता को मानते हैं। पुष्कर राजस्थान, भारत के अजमेर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पिल गांगानी नगर है, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है। मानस घाट। यहाँ पर लोग भगवान मानसरोवर में स्नान करते हैं। गणेश घाट। यहाँ पर गणेश का पूजन किया जाता है, जो शुभ शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा अन्य 47 घाट भी पुष्कर में महत्वपूर्ण है और यहाँ पर स्थित धार्मिक और पारंपरिक उत्सवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग इन घाटों पर स्नान करते हैं और धार्मिक स्नान की महत्वपूर्णता को मानते हैं। पुष्कर राजस्थान, भारत के अजमेर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पिल गांगानी नगर है, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर के आसपास कई घाट हैं, जिन्हें स्नान के लिए प्रसिद्ध किया जाता है। इन 52 घाटों का नामकरण ब्राह्मणों के प्राचीन धार्मिक पाठकों एवं आस्थाएं के आधार पर किया गया है। यहाँ पर कुछ प्रमुख घाटों के नाम और उनकी महत्ता है। गायत्री घाट। इस घाट का महत्व गायत्री मंत्र के प्रचार और प्रसार में है। वामन घाट। यह घाट भगवान वामन की लीला के स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा घाट। इस घाट के पास ही ब्रह्मा मंदिर स्थित है, जिसे ब्रह्मा के पूजन के लिए प्रसिद्ध किया जाता है। इस मंदिर का निर्माण अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने ब्रह्मा मंदिर के प्राचीन और विशाल आकर्षण को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया है। ब्रह्मा मंदिर का वास्तुकला और वास्तुशिल्प उसके इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व को प्रकट करते हैं। यह मंदिर प्राचीन काल में निर्मित हुआ था और यहाँ का दर्शन करने के लिए प्राचीन रचनात्मकता का अनुभव किया जा सकता है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के अलावा भी कई धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पुष्कर से जुड़ी कई पौराणिक और प्राचीन कहानियां हैं, जो इस स्थल के महत्व और महिमा को बताती हैं। यहां कुछ प्रमुख कहानियां हैं। पुष्कर महात्म्यम। पुष्कर महात्म्यम एक प्राचीन संस्कृत पुराण है, जो पुष्कर के महत्व को विवरण करता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के अद्वितीय युगल स्थल के रूप में पुष्कर का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा राजा और सवित्री कथा। यह कथा पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर की स्थापना से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार ब्रह्मा ने यहां अपनी पत्नी सरस्वती को संगठित किया और मंदिर की स्थापना की।
महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिकुं हवामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रण्मन्नोतिभिस्तीर्थसाधनम्। ओम महागणाधिपतये नमः। उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज। नमः शिवाय। ॐ श्री महागणाधिपतये नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिकुं हवामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रण्मन्नोतिभिस्तीर्थसाधनम्। ॐ महागणाधिपतये नमः।
जो भगवान का श्री विग्रह है यानी मूर्ति है, उसके चार दिशा में चार मुख है। पूर्व दिशा में जो मुख है उसको षष्टि मुख कहते हैं। ज्ञान और सृष्टि का उद्भव पूर्व मुख से हुआ, इसका नाम षष्टि मुख है। दूसरा मुख है वो है आपका चिंतन मुख है। जो पश्चिम वाले मुख है वो समाधि मुख है। चौथा मुख है जो है इधर उत्तर की तरफ है वो बाल मुख है, क्योंकि ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी होती है। चारों कल्प सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों 1000 साल बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। आप देखेंगे तीन जो चेहरे हैं वो आपको सामने की ओर दिखाई देते हैं और एक चेहरा आपको पीछे की ओर दिखाई देता है, जो कहीं ना कहीं जीवन की चार अवस्थाएं बाल्यावस्था किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों को इंगित करते हैं। तो एक और खास बात, ब्रह्मा जी के जब आप दर्शन कर रहे होंगे तो गर्भगृह के बिल्कुल बाहर आपको ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के दर्शन भी आपको यहाँ पर होंगे। इस ब्रह्मा मंदिर की जो स्थापना है वो शंकराचार्य द्वारा 700 ईस्वी में की गई थी। 713 ईस्वी में आदि शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था और बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया था। वर्तमान में जो स्वरूप आपको दिखाई देता है जो परकोटे पर अवस्थित है, आप इसको अगर बाहर से देखेंगे तो बुर्ज और किलेनुमा मंदिर की संरचना दिखाई देती है। जहाँ पर ब्रह्मा जी की प्रतिमा है चार मुख वाली, उसके बिल्कुल सामने ही जो ब्रह्मा जी का वाहन है हंस के भी आपको दर्शन वहां पर होंगे। हंस की एक विशेषता होती है कि वो दूध और पानी को मिला के रख दो आप तो वो दूध दूध को पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। इसे कहते हैं नीर क्षीर विवेक। तो ज्ञान तो हमने सुन लिया पढ़ लिया किताबें पढ़ ली, लेकिन विवेक हुआ कि नहीं हुआ, तो नीर क्षीर विवेक के द्वारा हंस उसका प्रतीक है। ब्रह्मा जी के बगल में ही माँ गायत्री देवी जी के भी दर्शन जरूर करिए। ब्रह्मा जी के साथ में बगल में दाहिनी ओर वेद माता गायत्री विराजित है। ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी रत्नागिरी पर्वत पर विराजित है, जिनका नाम सावित्री माता है। तो ये तो हो गए भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन, अब इसके बाद हम करेंगे माँ सावित्री के दर्शन। सावित्री